आप निर्णय कर सकते हैं, निर्णय करके आप उन्हें बता सकते हैं ये निर्णय हो। इंदिरा गांधी ने कहा था ऐसा जरूर दिल्ली में निकालो भगवान महावीर मंदिरवान दर्श में कि दुनिया देखती रह जाए। तो इस बात पर झगड़ा हो गया कि उस जुलूस में जो रथ रहेगा उसमें भगवान गगन महावीर वे आंखों वाले होंगे जो बिना आंखों वाले। अगर मंत्रालय नहीं कर सकते तो इंदिरा गांधी ने कहा दो तरफ निकालेंगे, कोई तरफ दिक्कत की बात नहीं, एक में आंखों वाली एक में बिना आंखों वाली, ठीक है क्या? ठीक है, लेकिन आगे हमारा हम ये निर्णय नहीं कर पाए कि आगे कौन रहेगा और पीछे कौन रहेगा। आखिरकार वो जुलूस निकलाई तब निर्णय कर पाएंगे। मान लो सर्वसम्मति से आपने निर्णय कर लिया कि दिगंबरों में आ जाओ, तो क्या भगवान ने कहा अगला प्रश्न कि तेरा प्रतिमा के बीच बैठी हो? कर पाएंगे निर्णय? फिर भी हमने कर लिया कि तेरा पंथियों में, फिर भी खड़ा होगा कि तेरा पंथियों में तो मुनि पंथियों में कि गांधी पंथियों में? अफगानी मंच में आ जाओ तो सुन रही होंगे कि देख रही होंगे। और अभी साधु साहब भाग देंगे, महावीर मंजूरी देंगे तो और खेल हो जाएंगे। भाई हम भगवान महावीर के हमारे हमारी कहीं तो कोई ना कोई चीज तो ऐसी होती है ना, नव अपने नवकार में नवकाशी तो बनाई ना कि जिसके मुंह में नवकार मंत्र हो वो हमारे यहाँ जमीन में आ जाए। एक एक कॉमन फॉर्म चीज तो बनाई ना हमारी ना, कुछ तो कॉमन है ना हर में है कि नहीं है? सब महावीर के भरत में कॉमन है कि नहीं? ठीक है, हम अभी बात नहीं बताएंगे, कुछ बाकी अब हमें बताएंगे, हम इधर फिर सो जाएंगे। क्यों भैया 99% फिट होने के चांस होने के लिए अपने कोई भी एक कोई कागज नहीं रखा हमको, तो हमेशा रास्ता खुला रखने में ही रखा सकते हैं। आपसे इतने बड़े एक एक करोगे सो है इसमें रख सकते हैं, दंड रखने काम हो सकते हैं। और इन्हीं से जो प्रभावना होकर के आगे लोग बढ़ते हैं ना, अपना एक एक दंड कल्याणक होता है, एक एक शिविर होता है, उन्हें 10-20 रूप से बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ते हैं? नहीं बढ़ते हैं तो इन्हीं के माध्यम से हम किसी को दिल को चुहाने वाली बात नहीं करें, दरवाजे खुले रखें, दरवाजों से आते हैं भी लोग जाते भी लोग हैं, लेकिन निश्चित रूप से हम खाते में ही रहने वाले हैं। ऐसा सोचकर ये आचार्यों की आज्ञा को हम माने कि सारा लोग एक साथ आकर इसमें डूबी समय सार का 32वां कलश चलाना है। ये जो रंग भूमि का अंतिम कलश है, रंगभूमि समझते हैं, ये समय सार नाटक के रूप में है। और नाटक के पहले के ज़माने में जो नाटक का स्टेज होता था उसको रंगभूमि कहते थे। अब रंगभूमि उन्होंने अभी तक खड़ी की है, अब आगे से जीवाजी वाधिकार के रूप में पात्र आएंगे और वो अपनी अपनी बात को सिद्ध करेंगे। पढ़ें इस छंद को देखो, मज्वन्तु निर्भर ममि सुख सात्र रस से लवा लवे
देखो संस्कृत का जो मूल छंद है उसकी तीसरी पंक्ति में एक तिरस्करणी शब्द है, विभ्रम तिरस्करणी है ना। ये तिरस्करणी क्या चीज है? जो नाटक होता है ना, और नाटक स्टेज पर कुछ लोग पाठ करते हैं और सामने जनता बैठी होती है, और उन दोनों के बीच में एक पर्दा होता है, पर्दा खुलता है बंद होता है, इधर सब देखा होगा ना तुमने, तो उस पर्दे का नाम क्या है? तिरस्करणी। उसका नाम तिरस्करणी क्यों है? क्योंकि जितने भी दर्शक उसके सामने बैठे होते हैं सब उसे तिरस्कार की निगाह से देखते हैं कि कब खुले कब खुले कब हटे, समझे ना। उसको कभी आदर सम्मान नहीं मिलता। कोई अच्छे वक्ता का भाषण होना हो और सारी सभा उसको सुनने के लिए इकट्ठी हुई हो, फिर कोई लोकल नेता टाइप आदमी स्पीकर आकर पकड़ ले और यहाँ वहाँ की लंबी लंबी बातें करें तो लोगों को बिल्कुल नहीं सुहाती हैं, सब उसे तिरस्कार की निगाह से देखते हैं और कहते हैं ये बंद क्यों नहीं करता, बंद क्यों नहीं करता, होता है ना। तो वो पर्दे के प्रति भी सबका यही भाव होता है, क्योंकि समझते हैं कि ये खुले तो हमें असली नाटक देखने को मिले, इसलिए उसका नाम तिरस्करणी लगाया शब्द रखा। आप अपने शिविरों में देखते हैं कि जब कोई अच्छे वक्ता का प्रवचन शुरू होना होता है और उसके पहले लंबी लंबी सूचनाएं लेकर कुछ लोग आ जाते हैं और एक ही बात को तीन तीन दफे दोहराते हैं, क्यों लंबी लंबी लिस्टें लेकर सुनाते हैं, तो सब के हृदय में उसके प्रति तिरस्कार का भाव होता है कि क्यों लंबा लंबा बोल रहा है, बंद क्यों नहीं करता है, ऐसा होता है ना। जो मनोविज्ञान को समझता है वो तो समझता है, और जो नहीं समझता है ना तो फिर क्या करते हैं श्रोता लोग? तालियां बजाते हैं। वो समझता है कि मैंने बहुत बढ़िया बात की इसलिए तालियां बजा रही हैं, तो और जोर जोर से उसी बात को बंसुमोर करता है। अरे भाई ये तालियां तेरे तिरस्कार के लिए हैं कि तू बंद क्यों नहीं करता है, जल्दी बंद कर, तेरे को हमें नहीं सुनना है, है ना। देखो तालियां अच्छे अर्थ में भी होती हैं और बुरे अर्थ में भी होती हैं, और आज का तो बच्चा बच्चा समझता है कि ये जो तालियां बजा रही हैं ये हूटिंग है, क्यों, और ये प्रशंसा है। तो जिसकी हमेशा हूटिंग हो उसको तिरस्करणी बोलते हैं संस्कृत में। इसलिए उन्होंने कहा कि विभ्रम तिरस्करणी, ये भ्रम का पर्दा पड़ा हुआ है, सामने सामने सब श्रोता बैठे हुए हैं और एक भ्रम का पर्दा पड़ा हुआ है और उसके पीछे ज्ञान सागर भगवान आत्मा, आनंद सागर भगवान आत्मा लबालब पानी से भरा हुआ है। देखो ये लबालब शब्द में कितना दम है, हिंदी वाले जानते होंगे, है ना। सुख शांत रस से लबालब है ज्ञान सागर आत्मा, ज्ञान का दरिया, ज्ञान का समुद्र, और इसके अंदर सुख और शांत, हमें दो ही चीजें चाहिए ना, सुख और शांति। आज की दुनिया ने सुख और शांति की जगह संपत्ति और सुविधाओं ने ले ली है। चाहिए इस जीव को क्या? सुख और शांति, और जगत में जुटाई क्या है? संपत्ति और सुविधाएं, है ना। अटैच लैट्रिन बाथरूम चाहिए, बढ़िया से बढ़िया एकदम
ख्याल में ना सब चाहिए ना, यहाँ हिलना ही नहीं पड़े, बाहर जाना तो बहुत दूर का, क्यों? तो उसे देखो, बम्बई में आप जाएंगे तो वो जहाँ पेशाब करने की जगह होती है, बाथरूम जाने की जगह होती है, सबको वहाँ सुविधाएं लिखा रहता है। तो हमने क्या जुटाई है, एक एक संपत्ति और दूसरी सुविधाएं, और चाहिए थी सुख और शांति। सुख और शांति में अंतर समझते हो? शास्त्रीय भाषा में कहूँ तो जो सुख नाम का गुण है ना आत्मा में, उसकी पर्याय को बोलते हैं सुख अथवा आनंद, और जो चारित्र गुण की पर्याय है ना वितरागी, उसको बोलते हैं शांति। सुख गुण की पर्याय है सुख है, और चारित्र गुण की पर्याय है शांति। निकसाल भाव, वितराग भाव। अब ये तो शास्त्रीय भाषा में हुआ, अब इसको मैं शुद्ध हिंदी में समझाऊं कि क्या है, कि आपको बहुत जोर की भूख लगी है और सामने थाली परस दी गई, अब बस इस बात का इंतजार है कि घर के लोग कहें कि साहब जीवो। पहले होता था पूरा परस देते थे, फिर घर के लोग बोलते थे जीवो, तब लोग जीवना शुरू करते थे, क्योंकि आधी परोस नहीं रहे, हर एक के पास सब चीज़ें पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी यदि पहले ही खाना शुरू कर दें तो अंतिम वाले के पास जब तक पहुंचे जब तक तो पहले खाना का उठ जाए, एक दफे सारा खाना सबके पास पहुंच जाए तब वो कहते थे अब साहब जीमो, तब वो लोग जीमते थे। ऐसी पोजीशन, आपको बहुत जोर की भूख लगी है और सामने थाली में सारा माल रखा है, आकुलता तो बहुत हो रही लेकिन शांति है, क्योंकि अभी रखा है ना सामने, अभी खाएंगे और तृप्ति हो जाएगी। सुख तो है, आकुलता तो है पर अशांति नहीं है। फिर किसी ने कह दिया कि नहीं, सबका जीवन बंद, कोई एक हाथ नहीं लगाएगा और सब उठो चलो यहां से, क्यों? तो अशांति भी हो जाएगी। समझे, सुख और शांति में अंतर समझ में आया ना? वो आकुलता तो कब मिटेगी, जब वो खाने को मिलेगा तब, और ये भरोसा हो कि खाना बिल्कुल तैयार है, अब ये खाने को मिलने ही वाला है, तो अशांति नहीं है आकुलता है, और जब ये भी संकट पड़ा हो गया कि अब ये गया तो वो अशांति हो जाएगी। ये भगवान आत्मा तेरे सुखो शांति तुझे चाहिए, और ये सुखो शांति से लबालब है। कौन है ये लबालब सुखो शांति से? तुम कहो यार ज्ञान तो सबसे बढ़िया चीज है, और उसकी तुम बात नहीं करते हो, सुखो शांति की बात करते हो। ज्ञान की बात होना चाहिए ना, क्योंकि ज्ञान का तो सागर ही है। देखो, सुख शांत रस से लवा लव है ज्ञान सागर आत्मा, ये ज्ञान का दरिया, ज्ञान का समुद्र है ना। विभ्रम की तादर हटा, विभ्रम माने संशय, विभ्रम और विमोह तीन चीजें होती हैं, संशय विभ्रम मोह त्याग, आप और लिख लीजिए, आता ना। तो ये ज्ञान के तीन दोष हैं ना, संशय विपर्य और अनंत बसाय। संशय क्या है तो सब जानते हो कि दो तरफ हमारा ज्ञान झूले, वो है स्पर्शी ज्ञानम, आता तो न्याय जीविका तो पड़ी है ना, दो पक्षों की तरफ जो हमारा उपयोग झूले कि ये सत्य है कि ये, तो उसे बोलते हैं संशय। और विपर्य, विपरीत पक्ष में ही निर्णय हो जाए तो उसे बोलते हैं विपर्य, है ना। और तीसरा होता है कौन, अनंत बसाय। ये क्या है कि क्या करना हमें होगा, कुछ होरी में तो जाने दो ना, चलो अपना खाना खाओ।
ऐसी जो अंदर से अरुचि है वो है अनंत दशा। फिर आत्मा आत्मा लगा रखा, क्या होगा नहीं होगा, दिन भर माथा पच्ची करना बेमतलब का काम, इसे कोई फायदा तो होने वाला है नहीं, क्योंकि इसको तो पैसे का फायदा ही फायदा दिखता है, क्यों और तो फायदा कुछ दिखाई देता ही नहीं है। ऐसी जो तीव्रतम अरुचि है वो अनंत दशा है। अब यहाँ से विभ्रम संशय विपर्य अनंत दशा ये ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, तो वो कहते हैं कि विभ्रम की चादर पड़ी हुई है। देखो यह ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा विभ्रम रूपी आड़ी चादर को, इसको हम तिरस्करणी कहा, आड़ी तिरस्करणी को, अब चादर की जगह तिरस्करणी बोले ना, क्योंकि अपन को अर्थ ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ गया ना, को समूल तया डुबो कर दूर हटा कर स्वयं सर्वांग प्रकट हुआ, पूर्णतया प्रकट हो गया। अतः अब हे लोक के समस्त लोगों, लोक पर्यंत उछलते हुए शांत रस में सब एक साथ ही मग्न हो जाओ। गुरुदेव श्री कहते हैं कि ये चूल सहित तुम्हारा निमंत्रण हुआ है, बोले चूल पई पावने बोलते ना अपन, जो कारण आता है ना शादी वगैरह का, तो उसमें एक दो और चार लिखा होता है, एक लिखा हो तो उसका मतलब एक आदमी को आना है शादी में, दो लिखा हो तो पति पत्नी दो जने आ सकते हैं, और चार लिखा हो तो सारा परिवार और घर में मेहमान आए हों तो वे भी, उसे हमारे बुंदेल में बोलते हैं चूल पई पाऊने, पाऊन मैंने मेहमान आए हों वे, वो चूल क्या लगाया इसमें कि तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा अकेला का निमंत्रण है, अब मेहमान को तो तुम्हें खाना बनाना ही पड़ेगा ना, तो चूल्हा जलेगा, आज घर का चूल्हा बंद रहना चाहिए। और आपको एक जानकर बहुत आश्चर्य होगा, सारे देश में जब कोई निमंत्रण करता है तो एक ही टाइम का निमंत्रण होता है, हमारे बुंदेलखंड में जब कोई निमंत्रण करता है तो दोनों टाइम का होता है, उसका अर्थ ये होता है कि शाम को भी खाने आना है, सुबह भी शाम को भी, और नाश्ता हुए तो नाश्ता भी, आधे दिन का निमंत्रण होता ही नहीं है, उसका अर्थ ही होता है, सुना कभी ऐसा क्या तूत का बुंदेलखंड में तो क्या भैया आज का न्योता है आपका, तो समझ लेगा नाश्ता भी इनके यहाँ करना है, रोटी भी इनके यहाँ खाना है, दोपहर की चाय भी इनके यहाँ होगी और शाम का भोजन भी इनके यहाँ होगी, उसको न्योता बोलते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सारा लोग सारी दुनिया एक साथ आओ, ये चूल पे गाँव में, तो गुजरात में जाता हूँ तो ऐसा बोलता हूँ, वहाँ पर एक नवकारसी होती है, सुनी नवकारसी नाम सुना कभी, गुजराती लोग तो जानते ही होंगे लेकिन गुजराती हैं क्या इक्के दुक्के होंगे कोई, मुंबई वाले जानते होंगे, नवकारसी का मतलब ये है कि ऐसा निमंत्रण किया जाता है, अखबारों में निकाल दिया जाता है, दीवार पर लिखवा दिया जाता है, जगह जगह वो आज की भाषा में फ्लैक्स लगा दिए जाते हैं, है ना, और लिख दिया जाता है कि हमारे यहाँ आज सबका भोजन है, किनका नवकारसी है, माने जिनके मुख में नमोकार मंत्र है वे सब, माने दिगंबर सितंबर थारकपंथी तेरापंथी बीसपंथी जितने भी हैं, बस जो नमोकार मंत्र बोलते हैं उन सबका बिना किसी भेदभाव के निमंत्रण है, उसे गुजरात में बोलते हैं नवकारसी। अब सबको तो गांव में कैसे निमंत्रण दिया जा सकता है, इसलिए बस वो चौराहे पे लगा दिया, अखबार में निकाल दिया, अब उसे मानकर आपको फोन नहीं किया, आपको कार्ड नहीं दिया, कुछ नहीं, और लोग आ जाते हैं, सब आ जाते हैं, जीते हैं। तो आचार्य मैं कहता हूँ ये नवकारसी कर रहे हैं, किसकी, पूरे गांव वालों की, अरे गांव वालों की नहीं, लोका माने जानते क्या होते हैं,
लोकाकाश सारी दुनिया जहाँ छह द्रव्य लोग से लोक बोलते हैं और उसी से लोग बना है जी। हिंदी में जो लोग बोलते हैं लोग, वो लोक से ही बना है, का की जगह गा हो गया है। समवेव लोका, हे सारे जगत के लोगों, इस शांत रस से भरा हुआ ये जो महान समुद्र है, बस तुम्हारे और इसके बीच में एक तिरस्करणी है। अब समझ, पर्दा है बस खत्म, और इसे तुम आनंद दुखी हो रहे। विभ्रम की तिरस्करणी है, मिथ्यात्व की तिरस्करणी है, समझे ना, संशय विपर्य अनद्वसाय की तिरस्करणी है। तुम इसको हटाओ तो सामने एकदम दरिया भगवान आत्मा, ज्ञान का घन पिंड, आनंद का रसकंद, शक्तियों का संग्रहालय, गुणों का गोडाउन अंदर में विराजमान है। और तुम सब लोग, समुद्र है वो, तो कोई स्विमिंग पूल थोड़ी है, कोई 100 आदमी से ज़्यादा एक साथ नहीं नहा सकते क्यों। और जिनके पास वो कार्ड हो, जिनके पास वो मेंबर हो, बस वे ही नहाएंगे, नो प्रतिबंध। सारे लोग के जीव एक साथ नहाओ इस भगवान आत्मा में, आनंद के सागर में। उन्होंने एक भावना प्रकट की, बस ऐसे ही भावों से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है। देखो उक्त छंद का भाव स्पष्ट करते हुए भावार्थ में पंडित जयचंद जी छाबड़ा लिखते हैं। मैं सबका थोड़ा थोड़ा नमूना आपको बताना चाहता हूँ, और अंत में इस छंद के 3 अर्थ हैं, वो अंत में इसमें दिए हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा समय रहेगा। तो जैसे समुद्र के आड़े कुछ आ जावे तो जल दिखाई नहीं देता, और जब वह आड़ दूर हो जाती है तब जल प्रकट होता है। वह प्रकट होने पर लोगों को प्रेरणा योग्य होता है कि इस जल में सभी लोग स्नान करो, मानो वो पानी ही बुला रहा है। स्विमिंग पूल बढ़िया अच्छा हो और आप वहाँ जाएं तो वो पानी निमंत्रण देता है कि अरे नहाओ ना, नहाओ ना, नहा लो ना, नहा लो ना। इसी प्रकार आत्मा विभ्रम से आच्छादित था, तब उसका स्वरूप दिखाई नहीं देता था। अब विभ्रम दूर हो जाने से यथा स्वरूप प्रकट हो गया है, इसलिए अब उसके वितराग विज्ञान रूप शांत रस में एक साथ ही सर्वलोक मग्न हो, इस प्रकार आचार्य देव ने प्रेरणा दी है। अथवा इसका अर्थ यह भी है कि जब आत्मा का अज्ञान दूर होता है तब केवल ज्ञान प्रकट होता है, और केवल ज्ञान प्रकट होने पर समस्त लोक में रहने वाले पदार्थ एक ही समय में ज्ञान में झलकते हैं, उसे समस्त लोक देखो। माने सारे पदार्थ उस केवल ज्ञान में झलक गए ना, तो एक साथ नहा रहे थे सब। ये जयचंद जी छाबड़ा ने अर्थ किया है। पूज्य गुरुदेव श्री का ये कोटेशन है, अभी इसमें पूरा पढ़ने की बजाय मैं थोड़ा थोड़ा अंश इसका बताता हूँ आपको। पेज नंबर 2350 पे निकालो, 4 पंक्तियाँ अंतिम हैं। देखो तो सही सबसे ऊपर, कैसी अचूक रामबाण वाणी है। नहीं पा सकोगे या थोड़ी सी ही प्राप्त कर सकोगे, ऐसी निराशाजनक बात नहीं की कि तुम्हें तुम्हारे बस की काम नहीं है, तुम्हारे बस की नहीं है, और तुम क्या बहुत थोड़ा ही पापा, तुम ज़्यादा तुम्हें नहीं आएगा समझ में, ऐसी बात नहीं करते हैं। आचार्य देव ने स्वयं आनंद रस प्राप्त कर लिया है, अतः वे चाहते हैं कि सभी जीव अतीन्द्रिय आनंद रस को प्राप्त करें। माने कोई छोटी मोटी बात नहीं करते हैं, सब करें और भरपूर करें। अपन लोग में कहते हैं वो क्या कहावत है ना, कि यदि नीचे ही लेटना है जमीन पर तो सकड़ा ही क्यों,
कैसी कहावत है ना बुंदेलखंड में, फिर उसमें सकड़ाई क्या करना कि भाई अब तुम बहुत जगह थोड़ी है, फिर खूब हाथ पैर फैला के सोना है। वो एक कहावत है तो कैसा कि यदि कल्पना लोक के ही लड्डू खाना है, समझ आई ना, तो फिर ठीक है क्यों, बहुत बढ़िया मीठे खाओ ना है? और बहुत कम क्यों, फिर भरपूर खाओ ना, फिर थोड़े क्यों, यहाँ सुने ना। जब वो ये कहते हैं कि सारे जगत में कोई कमी नहीं है आनंद में, हर एक के पास ज्ञान का दरिया भर रहा है, आनंद का दरिया भर रहा है हर एक के पास, तो सारा लोग क्यों दूसरे के में थोड़ी नहाना है, हर एक को अपने अपने में नहाना है, तो अपने अपने में शांत रस से उसे क्यों नहीं पड़ा। अब देखिए एक अर्थ तो ये हुआ, अब दूसरा जो पांडे राजमल जी हैं वो अपना अलग ही अर्थ करते हैं, और कवि बनारसी दास जी पूरी तरह राजमल जी पे डिपेंड है, अपन एक एक उनके छंद से सिद्ध करते जा रहे हैं। देखो पहले देखो किसी को पता नहीं था शांति जी, जब पता चला और देखते हैं तो कितने वे उसके पीछे हैं। मान लो राजमल जी को कोई जानते ही नहीं होता तो सब इसको पंडित बनारसी दास जी की ही दिमाग की ऊपर समझते है ना, और अपन को सोर्स मालूम पड़ गया कि इनका सोर्स कहाँ से है। तो एक छंद है ना जी, देखो पढ़ो इसे। जैसे को पातुर अब वो समुद्र में तो गायब हो गया, इसमें समुद्र है ही नहीं कहीं, है ना। इस देखो देखो पंडित राजमल जी कलष्टिका में अर्थ करते हुए सिंधु शब्द का अर्थ पात्र अभिनेता करते हैं। देखो सिंधु माने अभिनेता, अभिनेता समझते हीरो, कैसा अर्थ किया है इन्होंने बोल, कई लोगों में डिक्शनरी में कहीं मिलेगा। अब इसी को बनारसी दास ने पकड़ लिया, तो इन्होंने क्या लिखा उसके लिए, वो सिंधु शब्द जो बनारसी दास ने राजमल जी ने किया वो है ना, उसमें सिंधु शब्द मूल कलश में होगा ना, भगवान अवबोध सिंधु, भगवान है वो ज्ञान के सागर हैं, है ना, अभिबोध सिंधु। तो वे कहते हैं अभिबोध माने ज्ञान के अभिनेता हैं ये, इसको अब उन्हें पूरा नाटक का दृश्य बना दिया।